जब भी आप अपने डॉग को खाना दें तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो डॉग फीड होती है ये हद से ज़्यादा नहीं देनी होती। अगर आप इसको हद से ज़्यादा देंगे तो डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है इसको डाइजेस्ट करने में। तो मेरा जो ये पिटबुल है इसकी एज अभी 1 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको मैं 2 मुट्ठी ये इसकी डॉग फीड इसमें डाल देता हूँ। अभी आजकल ये इसको पानी में डालकर खा नहीं रही है, शायद हो सकता है इसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत हो, क्योंकि ऐसा डॉग बिहेव तभी करता है जब उसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। इसकी डिवॉर्मिंग की गोलियाँ आज मैं लेकर आऊँगा। इसका वेट अराउंड 25 kg होगा, तो उस हिसाब से मुझे इसको 2 डिवॉर्मिंग की गोली लगेंगी इसके वेट के हिसाब से। तो डॉग फीड इसको मुझे अभी ऐसे ही देनी पड़ रही है क्योंकि ये पानी से खा नहीं रही है। तो अब देखिए मैं इसको किस तरीके से ये इसकी डॉग फीड खिलाता हूँ। मैंने ये डॉग जिसमें ये खाती है उसको इसके सामने रख दिया और इसके अंदर इतना सब्र है कि ये इसको मेरे कहे बिना खाएगी नहीं। ऐसा सब्र आपके डॉग के, देखिए उसके राल भी टपक रही है लेकिन फिर भी वो खाएगी नहीं इसको। ऐसा सब्र आपके अगर डॉग के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, आपका डॉग आपकी बात सुनता है। और पिटबुल को कहते हैं बहुत ज़्यादा स्टबबोर्न डॉग ब्रीड होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी पिटबुल ही है। और कितने आराम से बैठी है ये, क्योंकि ये मेरी बात समझती है। इसको मैंने ट्रेन किया है, इसके जिन दिनों में इसको ट्रेन करना ज़रूरी था मैंने उन दिनों में इसको ट्रेन किया। बड़ा होने के बाद भी आप ट्रेन कर सकते हैं पर आपको स्टार्टिंग से ही करके रखना चाहिए। कितनी देर हो गई बातों बातों में पर इसने अभी तक भी इसमें मुंह नहीं लगाया। तो चलिए इसको थोड़ा और इसका लेवल पुश करते हैं, देखते हैं कि ये खाती है या नहीं खाती। तो ये मैंने इसकी डॉग फीड ली है, इसके हाथ ऊपर मैं रख देता हूँ। देख रहे हो गाइस, इसके मैंने लिटरली पंजे पर ये इसकी फीड रख दी है, लेकिन ये तब तक नहीं खाएगी जब तक इसको मैं नहीं कहता। टेक शैडो, अगर आपका डॉग इस तरीके से कर रहा है, आपकी बात सुनता है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपको ऐसे बाइट करे या कुछ करे। आपके एक इशारे पे आप कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, उसको नो का मतलब और स्टे का मतलब ज़रूर सिखाना चाहिए। टेक, ये डॉग फीड मैंने अभी इसको दे दी है क्योंकि इसने मेरी बात मानी और इसने कोई बेसब्री नहीं दिखाई अपने फीड को लेकर, क्योंकि फीड को लेकर अक्सर कुत्ते बहुत ज़्यादा बेसब्र हो जाते हैं और उसमें मुंह मारने लगते हैं। यदि आप अपने बाहर गए हो और कुछ खाना रखा हो तो वो खाना ख़राब कर देते हैं उसमें मुंह मार के। तो ये चीज़ आपके डॉग को ज़रूर आनी चाहिए। वैसे इनको पानी के साथ देते हैं बट मैं इसको पानी के साथ नहीं दे रहा क्योंकि ये पानी के साथ खा नहीं रही और जितनी फीड है उसको ये वेस्ट कर देती है। इसकी डिवॉर्मिंग का भी टाइम आ गया है, डिवॉर्मिंग नहीं होने की वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रही है। मुझे पता है ये पहले भी इसी तरीके से बिहेव करती थी जब इसकी डिवॉर्मिंग ना कराओ। इसकी डिवॉर्मिंग की गोली मैं आज ला कर दे दूँगा, फिर ये नॉर्मल अपना खाना खाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हमको इसको हाथों से खिलाना पड़ता है, मम्मी इसको हाथों से खिलाती हैं, बिल्कुल इसके बिल्कुल मुंह में डालकर इसको निवाला एक एक तब जाकर ये खाती है। तो वो सब चीज़ें भी हमको देखनी पड़ती हैं। शायद इसे किसी चीज़ की स्मेल आ रही है। एक आपको ध्यान रखना है, जिस टाइम ये खाना खा रहे हों खासकर कि ये वाली ब्रीड पिटबुल, उस टाइम इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसने अपनी फीड पूरी ख़त्म कर ली है अच्छे से,
तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया किस तरीके से आपको अपने डॉग को फीड देनी चाहिए और क्या क्या बातें आपके डॉग को पता होने चाहिए फीड खाने से खाते टाइम। अगर आपका डॉग भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से एक वेल मैनर्ड वे में फीड अपनी कंज्यूम करता है तो बहुत अच्छी बात है। यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। जैसे जैसे सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे तो मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी इसकी और ज़्यादा वीडियोज़ और इसकी एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं।